व्हाट इज अप गाइस, दिस इज दीपांशु बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस फाइनली यार मैं आया हूँ यार अभी बैंगलोर में, और यार सबसे पहली वीडियो हम कुछ यूनिक करने वाले हैं, और सबसे पहले आप यार ये देखने वाले हो। तो सबसे पहले यार बात करते हैं यार किशन भैया से। किशन भैया कैसे हो यार आप? अच्छा हूँ भैया, आप और कैसे हो? क्या हम दिखाने वाले यार इस वीडियो में, मतलब कैसा होने वाला है, ये क्या चीज़ है? एक्चुअली सर बेसिकली क्या होता है, मैं ले लूँ या? हाँ, बेसिकली क्या होता है कि आप कभी भी पीसी खरीदने के लिए जाते हो मार्केट के अंदर, तो क्या होता है कि रंग बिरंगे पीसी रहते हैं, मतलब RGB वो ये एक रहता है स्लिम प्लेन पीसी। लेकिन हर कस्टमर को ये थोड़ी ना है कि यार भारी भरकम हाइट वाला पीसी ले ले, तो उनको वो पसंद नहीं आता कि उतना हाइट वाला वो पीसी खरीदे। तो उस टाइम क्या होता है कि वो एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर पे जाना जाता है, उसके लिए वो लैपटॉप चूज़ कर लेता है। तो लैपटॉप चूज़ करने से क्या होता है कि हिंचेस डैमेज हो जाता है जब वो कैरी इन करता है, और लैपटॉप ऑफिस में चोरी भी हो जाता है काफ़ी। चलो चोरी तो नहीं होता, सिक्योरिटी होता, लेकिन होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। ये उसको लैपटॉप की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? लैपटॉप बहुत हीट हो जाता है, और काफ़ी डिसएडवांटेज इन लैपटॉप में भी है, लैपटॉप को अपग्रेड करने में दिक्कत रहता है। लेकिन इसी के लिए इंटेल वाले ने एक सॉल्यूशन निकाला है। तो एक सॉल्यूशन जो है ना, वो इंटेल वाला एक निकाला है जिसको बोलते हैं NUC, मतलब एक नुक जैसा रहता है। ये समझ लीजिए, आपको क्या बताऊँ, ये मोबाइल का डबल साइज, सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये कैलकुलेटर का साइज, मतलब ये कैलकुलेटर के साइज के अंदर आप पूरा दुनिया सर्फ कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, गेमिंग भी थोड़े मॉडल में कर सकते हो। ये गेमिंग के लिए नहीं है, कुछ जो है ना इंटीग्रेटेड इंटेल के ग्राफिक्स देते हैं, उसके अलावा कुछ लोग ग्राफिक कार्ड जो है ना एनवीडिया का भी देते हैं, कुछ ब्रिक्स जो रहते हैं वो थोड़ा हाइट वेट में बड़े रहते हैं। लेकिन जो अभी आपको स्पेशली ये मिनी पीसी किट जो मैं बताने वाला हूँ, ये भाई ये क्या बोलते हैं यार, एक जो है ना छोटा फटाका बड़ा धमाका, तो वो वाला साइज रह जाता है। मतलब इसमें अंदर काफ़ी चीज़ों जल जाती है, टूट जाती है, वैसा रहता नहीं है, आप देख सकते हो यार। मैं क्या बोलूँ इसको, ये है भैया आपके हाथ में है ना, जो ये है कंप्यूटर, मतलब आप ये कंप्यूटर को आप लेके इसके अंदर 2 TB का आप SSD भी लगा सकते हो, 2 TB का 16 GB RAM भी लगा सकते हो। ओके, आप समझिए ना, 4 GB 8 GB 16, ये बेसिकली रहता है बेयर बोन, मतलब इसके अंदर आप रैम अपग्रेड कर सकते हो, स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो, एंड प्रोसेसर वगैरह पहले से। लेकिन मैंने आपको एक और भी बात बताना भूल गया, आप 2 TB का SSD मैक्सिमम साइज है तो वो लगा सकते हो, नहीं तो 4 TB भी लगा सकते हो, उसके अलावा आप M.2 SSD भी लगा सकते हो। ओके, NVMe, यस भैया NVMe भी लगा सकते हो, इवन Gen 3 वाला NVMe लगाना काफी ठीक रहेगा, Gen 4 उतना इस PC के लिए जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर बेसिकली आप देख सकते हो आपके पास 2 मॉनिटर है, ओके ना, एक है आपके पास TV ऑफिस पे, मतलब ऑफिस फ्रंट रूम पे, एक है दूसरी तरफ। अभी बोल देखना है मुझे 42 इंचेस का TV के अंदर 4K वीडियो देखना है तो आप कर लो। एक आता है आपको डिस्प्ले पोर्ट, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको 24, 42 जो भी है एक और मॉनिटर है वो कनेक्ट कर लो, ये फ्रंट रिसेप्शन पे रखो, एक ये यहाँ पर रखो, मतलब ये PC को 2 मॉनिटर इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर 1 GBPS तक का LAN आता है, इंडिया के अंदर 100 MBPS, 200, 300 या बहुत सारे शहरों में 10 GBPS भी आ गया है, मैं उसका नहीं बोलता, लेकिन 1 GBPS का इसके अंदर LAN आता है। उसके अलावा इसके अंदर भाई वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों रहता है। ओके ना, आपका कोई भी ब्लूटूथ से ट्रांसफर करना है या फिर वाईफाई से कनेक्ट करना है इस PC को ईजिली करा सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, एक स्मार्ट डिस्प्ले रहता है जिसके पीछे कोई PC कनेक्टर नहीं रहता है, उसका सॉल्यूशन यही रहता है, जिसको लोग बड़े बड़े दामों पे बेचते हैं, उनको ये नहीं बताते कि भाई हमने तो वो TV है नॉर्मल, उसके अंदर ये PC कनेक्ट किया। तो हमारा जो है ना ये कॉरपोरेट का अभी एक कोई ऑर्डर है, स्मॉल ऑर्डर समझ लीजिए, इसके अंदर हमने 30 PC बेचे हैं, जिसका क्या होता है कि ये 30 PC 30 offices है उनके, तो तीनों अलग अलग लोकेशन पे, तो उनके लिए हमने ये सेटअप सॉल्यूशन दिया। सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया किसी कंपनी या फिर किसी कॉर्पोरेट उसके लिए यूज किए जाते हैं, तो अगर किसी को पर्सनल यूज के लिए ये चाहिए, इसके अंदर कर सकते हो। जैसे कि देखिए, आप मेरा गेमिंग नहीं है, ओके ना, मेरे पास डेस्क, जैसे कि मेरा दुकान आपने देखा 100 square feet का है, मुझे PC रखने के लिए जगह ही नहीं है उतना बड़ा PC रखूं। मैंने लैपटॉप रख लिया, अभी लैपटॉप 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ, नेक्स्ट अगर मैं अपग्रेड करूंगा तो यार मैं ब्रिक्स पे ही करूंगा, क्यों ये जो ब्रिक्स है ना मैं यहाँ जेब में डाल के भी घर पे लेके जा सकता हूँ, ये मैं कहीं पर भी अभी टूर पे जा रहा हूँ मैं कैरी इन कर सकता हूँ, वहाँ मेरे घर पे TV है। जैसे कि समझ लो अभी मैं रहता हूँ बैंगलोर में, मैं प्रॉपरली हूँ राजस्थान से, और मैं आंध्रा भी जाता हूँ, तो मेरे को अभी डाटा लेके जाना है, मैं लेके जा सकता हूँ। और इसके अंदर एक रहता है, एक सॉफ्टवेयर से आप क्या कर सकते हो, इज ए लाइक ए वीडियो सर्वर भी बना सकते हो इसको, इसके अंदर वाईफाई से कॉन्फिगर करके इसको आप यहाँ मॉड्यूल रख दो, इससे आप काफ़ी आपके मोबाइल से ना उससे कनेक्ट करके इसको एक सर्वर टाइप भी बना सकते हो, मतलब ये छोटा बम बड़ा धमाका बोल सकते हैं। इजी टू यूज और कॉम्पैक्ट है, इजी टू यूज और इजीली आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। आज आप बैंगलोर में हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी घूमो, आप ये PC है, इसके ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। और एयर प्रोटेक्शन के लिए देखिए, यहाँ पर हीट सिंक वगैरह दिया हुआ है, हवा बाहर अंदर फेंकने के लिए, इसके अंदर फैन रहता ही नहीं। ओके, इसके अंदर हीट सिंक देता है,
ओके ना, रैम के दो स्लॉट रहते हैं, आप 16 GB की दो लगा लो, लेकिन जो पागल ही होगा 16 GB की दो लगाएगा, मैं तो बोल रहा हूँ इसके अंदर 4, 8, 16 तक लगा लो। 32 GB रैम यार i3 में क्या झेलोगे, लेकिन इसके अंदर i3, i5, i7 तीनों वेरिएंट आते हैं। ये बेसिकली i3 है और इसका डाउनग्रेड सेलरॉन भी आता है। ये बेसिकली प्राइस पॉइंट अगर आप देखते हो ना 28,000 के अंदर ये सॉल्यूशन आ जाता है। 28,000 yes, इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं कि 250 GB का NVMe ऐड करते हैं, 8 GB का रैम ऐड करते हैं। 8 GB रैम वो भी आपको मैं बताऊं DDR4 का है, 3200 MHz का रैम यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये बिल्ड कर दिए हैं ऑलरेडी, ये मैं 32 GB का G8 GB का G-Skill का रैम यूज करता हूं, 3200 MHz का स्पीड रहता है। अब ऐसे दो रैम स्लॉट इसके अंदर रहते हैं और NVMe मैंने यूज किया, जैसे कि समझ सकते हैं ये अभी 500 GB है, कुछ भी है, आप कोई भी SSD लगा सकते हो, वो आपके बजट के हिसाब से, या आपका पुराना SSD या कुछ भी लगा सकते हो, नहीं आपके पास कोई लैपटॉप का हार्ड डिस्क है वो भी लगा सकते हो, लेकिन जो चाहिए उसको कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा मैं बताता हूँ, इसके अंदर Type-C पोर्ट आता है भैया। Type-C पोर्ट आजकल क्या होता है कि इंटरफेस ऐसा है जिससे आपका फास्टेस्ट कॉपी होता है, कुछ फास्टेस्ट आपको शेयरिंग करना है तो Type-C से आपके काफ़ी अच्छे काम हो जाते हैं, तो Type-C से आप इजीली कर सकते हो। उसके अलावा आपको मैंने यहाँ बताना भूल गया था, देखिए दो USB 3.0 है और यहाँ एक 3.0 है, ओके मतलब तीन USB पोर्ट है 3.0 के, उसके अलावा दो है USB 2.0 के, मतलब 3, 4, 5 USB पोर्ट हो गए। पाँच के अलावा अगर और भी आपकी नीड है तो आप इसके अंदर क्या करना है पता, USB हब और लगा लो, लेकिन 5 USB से और ज़्यादा क्या करना है, आप कीबोर्ड माउस वायरलेस लगा लो या कुछ भी कर लो। ये स्पेशली क्या होता है, इसका वॉल माउंट भी हो जाता है, ओके ये मॉनिटर है, मॉनिटर के पीछे लगा दो, मतलब आपने कोई भी आपका TV मॉनिटर को ऑल इन वन PC बना दिया, मतलब ये एक चीज़ इतने सोर्स के अंदर यूज़ हो जाता है। सो बात करें इसकी प्राइसिंग की, पर्टिकुलरली इसका क्या प्राइस रहता है? इसका प्राइस 28,000 तक। और आपने बताया इसके अपग्रेडेड वर्जन भी आते हैं, i5 अपग्रेडेड i5 लेते हो ऑलमोस्ट आपको 7 से 8 हज़ार फर्क रहता है, उसके i7 के अंदर लेते हो 7 से 8 हज़ार और फर्क रहता है। एग्जैक्टली मॉडल के हिसाब से प्राइस डिफरेंट रहेगा, आपको ये डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल देना, उसके अंदर वो पूछ सकेंगे, और हर व्हाट्सएप का मैं मैसेज का रिप्लाई करूंगा एंड ऑफ द डे तक। आप सुबह से आया, आपने भी देखा है कि मेरे स्टोर पे कितना ट्रैफिक रहता है, रश रहता है। मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं कस्टमर का मैसेज इग्नोर करना है, मुझे ये है कि कस्टमर का हर तरह का क्वेश्चन का जवाब देना ताकि वो प्रॉपरली देख सके। और ये चीज़ें काफ़ी वीडियो चैनल्स पे बताते ही नहीं है, क्यों, ये रेवेन्यू बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये किन के लिए, जो कॉर्पोरेट लेवल के करते हैं वो। अगर मेरे पास कोई कस्टमर आके एक पीस भी मांगेगा उसको मैं दूंगा, हाँ कभी कभी स्टॉक नहीं रहता, इवन आज मेरे पास रेडीली 50-60 नंबर्स रेडी रहता है, क्यों मेरा ऑर्डर्स आते हैं, मैं उस तरह से कस्टमर बेस्ड सॉल्यूशन देता हूँ। खाली गेमिंग PC, माइनिंग PC ये आपने वीडियो काफ़ी देखे हैं, लेकिन ऐसे वीडियोज़ यूनिकली कोई नहीं दिखाता है। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिससे आप हर तरह के अपनी यूज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो आदमी की तकलीफ को दूर करता है। और एक इस PC से और भी मैं बताता हूँ, आजकल आपने सुना है कि स्मार्ट होम से, ओके ना, स्मार्ट होम से क्या होता है कि आपने यार यहाँ लाइट चालू रखना है, वहाँ वो करना है, ये करना, उसके लिए भी एक कंप्यूटर की ज़रूरत रहती है। तो ये MSI का या इंटेल का जो भी ब्रिक्स रहता है ना, इट्स वर्क लाइक ए स्मार्ट होम सॉल्यूशन, इससे आपका पूरा घर का जो है ना सॉल्यूशन आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को लेकर इतना ही, एंड भैया मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी थी इससे रिलेटेड, अगर जैसे कोई दिल्ली के आसपास दिख रहा है या फिर आउटसाइड ऑफ बैंगलोर दिख रहा है, तो किसी को अगर ये ऑर्डर करना चाहता है, क्वांटिटी में ऑर्डर करना चाहता है, तो कितने टाइम में अवेलेबल आकर दे दोगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट स्टॉक रहते हैं, जो स्टॉक नहीं है इमीडिएटली कॉल पे या व्हाट्सएप पे मैं बोल देता हूँ, और हर कस्टमर का रीड को मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर ही देता हूँ। उसके अलावा क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा ट्रैफिक या कस्टमर स्टोर पे ज़्यादा रहने पे क्या होता है, एंड ऑफ द डे तक उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। हाँ रही बात डिलीवरी की, ऑल ओवर इंडिया मेरा शिपिंग है, मेरा वेबसाइट SCL गेमिंग से भी आप प्रोडक्ट बाई कर सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके या फिर कॉल की तरह से आप बाई कर सकते हो। शिपिंग है, मेरा कुरियर पार्टनर है जो आपको प्रोफेशनली पैकेजिंग होगा, आपको मैं पैकेजिंग का भी वीडियो नेक्स्ट कभी मैं बताऊंगा हम किस तरह से पैकेजिंग करते हैं और आपके घर तक पहुंचाते हैं। तो पैकेजिंग के बारे में आपको कोई दिक्कत लेनी है। और बात रहती है कि यार COD आपने पूछा ही नहीं है, मैं बताता हूँ COD भैया हम नहीं देते। रीज़न क्या होता है, जब आदमी को खरीदना ही है तो उसको COD क्यों चाहिए, और अगर उसको भरोसा ही नहीं है तो वो COD मेरे पे मांग रहा है तो वो मेरे से खरीद के क्या कर लेगा बताओ। और मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, अगर पेमेंट कोई करता है तो उसे पूरा पेमेंट करना होता है या फिर? सर देखिए मेरे पास यही सोल्यूशन है कि पैसा पूरा देना पड़ता है, पूरा पैसा देगा उसको हम प्रोडक्ट डिस्पैच करेंगे। हाँ रही की ट्रस्ट की, आपको मैं बताऊंगा बैंगलोर के अंदर रहने दो या ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी पूछ लो, सुपर कंप्यूटर जो लैपटॉप है आप MSI के वेबसाइट में जाना, वेयर टू बाई करके एक ऑप्शन रहता है, ऑथराइज पार्टनर, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर लैपटॉप का नाम आता है, GigaByte के अंदर आता है, इवन AMD के अंदर भी आता है। अगर आप NVIDIA में जाओगे ऑथराइज पार्टनर सुपर कंप्यूटर लैपटॉप है, और मैं आपका 25-30 हज़ार या 40 हज़ार इवन 10 लाख रुपए भी लेके मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ,
क्या करूंगा, पैसा यही रहेगा, मेरा स्टोर है, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो ही बाई करो। हाँ रही कुरियर दो दिन लेट हो सकता है या जल्दी आ सकता है, वो कुरियर पार्टनर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको 100% अगर हमने पैसा लिया है, आपका पैसा सुरक्षित है, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट अगर नहीं मिलता है, आपको पूरा अमाउंट रिफंड मिलता है। और रही ट्रांजिट में डैमेज की, वो मेरी एश्योरेंस है कि आपको प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा, अगर डैमेज होता है वो मेरा गारंटी लेता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट अनबॉक्स करते वक्त वीडियो आप जरूर बनाना। सो गाइस खत्म करते हैं यार इस वीडियो को। अगर आपको यार ये न्यू टाइप की वीडियो अच्छी लगी तो यार यार मेक श्योर आप यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड यार मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा यार आपको यार ये क्यूबिकल बॉक्स। अगर किसी को भी परचेज करना है तो यार डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा एड्रेस आपको दे दूंगा। आप यार अगर बैंगलोर के आसपास हो और विजिट करना चाहते हो तो यार आप विजिट कर सकते हो, लेकिन अगर आप आउटसाइड ऑफ बैंगलोर से देख रहे हो तो यार आप कॉल भी कर सकते हो भैया को और आप ऑर्डर कर सकते हो, बल्क में ऑर्डर करना चाहते हो। अगर आपको सिंगल पीस भी चाहिए आपके खुद के यूज़ के लिए, तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन पीस आउट।